शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिस्टर देवधर, आप मिरेकल की बात कर रहे हैं। मैं अपनी बहन के चेहरे की बात कर रहा हूँ। देवधर साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आपकी बहन का चेहरा वैसा नहीं हो सकता जैसा कि पहले था। मुझे मेरी बहन का चेहरा वैसा ही चाहिए जैसा था। देखिए, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमें एक नहीं कई सर्जरी करनी पड़ेंगी और इन सब में लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर, वो मेरे बेटे की प्रॉब्लम है, हमारे परिवार की प्रॉब्लम है। क्या हुआ देवधर? कुछ नहीं। पहले जब सुना करता था कि किसी लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया है या किसी लड़की को दहेज के चक्कर में चला दिया गया है, माँ बाप को घर से निकाल दिया, तब समझ में नहीं आता था कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन अब समझ में आ गया कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। लिस्ट बनाओ, उन सबको सबक सिखाना है। चाइल्ड रेपिस रोमिंग फ्री, अनुज भाटिया, पिता को नहीं मिला इंसाफ, 7 साल बाद हारा बेटी की हत्या का मुकदमा, इसका भी नाम लिख। डोरी विक्टिम डाइस इन हॉस्पिटल, मनदीप सिंह। हे गोगी, बाकी सब लिस्ट बाद में, सबसे पहले इस हरामी का नाम लिख। क्या नाम है इसका? अनूप गोसाई। याद कर तूने क्या किया था? याद कर, याद कर, याद कर। याद कर उस लड़की का चेहरा जो तेजाब मारने से पहले था, और फिर सोच तेजाब मारने के बाद उस लड़की का चेहरा कैसा हुआ होगा। कितनी तड़पी होगी वो, उसके जले हुए चेहरे को देखकर उसके माँ बाप भाई बहन पर क्या बीती होगी, क्या बीती होगी उस लड़की पर जब उसने अपना जला हुआ चेहरा आईने में देखा होगा। किसी का चेहरा बिगाड़ने के लिए तेजाब की एक बूंद काफी है, मगर तूने उसके चेहरे पर तेजाब से भरा हुआ पूरा बल फेंका था। घबरा मत, ये तो पानी था, तेजाब तो अब मारूंगा। बनाकर लड़कियों पर तेजाब फेंकने वालों और अपराधियों की हत्याएं कर रहा है। जहां पुलिस हैरान है, वहीं आम जनता इन हत्याओं से खुश नजर आ रही है। आज तक की खास रिपोर्ट। ये लो 50 लाख रुपए, अब तो मेरे बेटे को छोड़ दो। छोड़ देंगे, कल सुबह तुम्हारा लौंडा तुम्हारे घर पहुंचाएगा। देवधर, क्या हम पैसों के लिए इसके लौंडे को छोड़ देंगे? इन पैसों से उन मासूम लड़कियों का इलाज होगा जिनकी जिंदगी इन जैसे कमीनों ने बिगाड़ी है। उस लौंडे का तो वही हशर होगा जो बाकी सबका हुआ है। सलाम वालेकुम अफजल भाई। वालेकुम सलाम। लीजिए, इसमें 2 लाख रुपया है आपके लड़के रैना का इलाज के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।
अब तक तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ था हमारे लिए। आप फिक्र मत कीजिए अफजल भाई, कभी भी कुछ भी चीज का जरूरत पड़े हमको याद कीजिए, हम लोग आएगा। कभी भी कुछ भी काम हो एनी टाइम हमको याद कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो हमारा कार्ड रखो। कौन? तुम्हारा भाई। पुलिस समीर को अपराधी मान रही है। उनका कहना है समीर ने नीता शर्मा को बिल्डिंग से गिराकर मार डाला है, इसके बावजूद भी आप उनका केस लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी जमानत भी करवा दी है। आपको नहीं लगता कि ऐसे अपराधी को? एक मिनट, आप लोग समीर के नाम के साथ अपराधी शब्द का इस्तेमाल न करें। उस पर अपराध अभी साबित नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में है। मगर पुलिस का कहना है कि समीर के खिलाफ पक्के सबूत है, ऐसे में कि आप ये केस जीत पाएंगे? कहना और उसे साबित करना ये दो अलग अलग बातें हैं। सच और झूठ का फैसला कोर्ट में हो जाएगा। एक और सवाल मिस्टर नथानी। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज, यू कैन गो नाउ। सर प्लीज गिव अस द आंसर। सर सर आपको जवाब देना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन सर। चलिए सर, सबको बात चलिए, आप लोग बाहर, सबके बाहर चलिए। चलिए भाई साहब आप भी चलिए, प्लीज बाहर चलिए। अरे क्या कर रहे हो, ये क्या है? कौन है आप लोग? समीर कटियाल का केस तू लड़ रहा है और तेरा केस हम। क्या चाहते हैं आप लोग? ये कहां ले जा रहे हैं आप लोग? वकील साहब, ये वही समीर है जिसका केस आप लड़ रहे हैं। समीर, वकील साहब को डिटेल में बताओ कि तुमने उस लड़की के साथ क्या क्या किया, ताकि ये तुम्हारा केस ठीक तरह से लड़ सके। चल बता। रात के 9 बजे थे। इधर नहीं, उधर। रात के 9 बजे थे, मैंने उसे धौलाकुआं से उठाया, फिर चलती गाड़ी में उसके साथ रेप किया, उसके बाद में उसे यहां लेकर आया और उसने दरवाजे में अपने पैर फंसा लिए। और यहां भी उसके साथ रेप किया। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुझे छत से नीचे फेंक दूंगा। वो लगी भागने। मैं समझा ये जरूर बता देगी, और मैंने उसको छत से नीचे फेंक दिया। क्यों वकील साहब, पिता को नहीं मिला इंसाफ? 7 साल बाद हारा बेटी की हत्या का मुकदमा। इस दिल्ली सेफ फॉर वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन राइसेस। दिल्ली ऊंचा सुनती है, बलात्कारी कोर्ट से भरी, डाउरी विक्टिम
डाइज इन हॉस्पिटल, एक और दहेज हत्या, और ये सब हेडलाइंस आप जैसे वकीलों की वजह से होती है। इसलिए आप जैसे वकीलों का जिंदा रहना ठीक नहीं।